हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। आपकी कोई भी फर्स्ट ऑर्डर की आपके पास इक्वेशन होगी, फर्स्ट ऑर्डर का मीनिंग क्या है, इसके अंदर सिर्फ आपके पास सिंगल डेरिवेटिव होगा, जो भी इक्वेशन गिवन होगी सिंगल डेरिवेटिव होगा, उसके भाई हमने सोल्यूशन कैलकुलेट करना है। पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था मीनिंग ऑफ सोल्यूशन, तो इसकी डिफरेंट टाइप ऑफ आपके पास टाइप्स बनेंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म होगी, आपको क्वेश्चन देख के बताना होगा कौन सी फॉर्म आपकी लगेगी, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में क्या है, आपने जो भी इक्वेशन आपके पास गिवन होगी, मान लीजिए मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू एफ एक्स डिवाइड बाई मान लीजिए जी वाई है, ठीक है। ऐसे कोई इक्वेशन मान लीजिए मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जितनी भी एक्स वाली टर्म होगी वो आपने एक तरफ कर लेनी है, दूसरी जो वाई वाली टर्म है आपने दूसरी साइड कर लेनी है, ठीक है। दिस कैन बी रिप्रेजेंट एस डी वाई, इधर हो जाएगा जी वाई, क्लियर सिंपल। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो इधर क्या हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, क्लियर। जैसे ही आपने x वाले एक साइड आगे और y वाले आपके दूसरी साइड आगे, तो इसके सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट। फॉर द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेट, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, बोथ साइड एंड एड वन आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट ऑन इधर साइड। आपने करना है दोनों साइड इंटीग्रेट कर देना है और एक आपने कांस्टेंट ऐड करना है, ठीक है। जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं एक हम कांस्टेंट ऐड करते हैं, ठीक है। जनरली हम राइट हैंड साइड ऐड करते हैं भाई, किसी भी साइड आप कर सकते हो, लेकिन अगर मैं गेट की बात करूं, जो आपके पास ऑप्शन रहेगी वो उस टाइप से आती है, सो दैट आपका जो कांस्टेंट है वो राइट हैंड साइड आपका यूज होता है। जनरली यहाँ पे लिख लो राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज एडेड, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेट ले लेंगे, जी वाई इंटू डी वाई दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस कोई आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट में सी यहाँ पे ऐड कर दूंगा, समझ रहे पॉइंट। ये आपका जनरल वाई इसका प्रोसीजर है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आप कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे आपके टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये क्वेश्चन गिवन है, इसमें आपने क्या निकालना है, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अभी तो आपने जस्ट एक टाइप देखी है वेरिएबल सेपरेबल, हम चार पांच टाइप देखेंगे और आपका जो क्वेश्चन होगा उसी में से कोई ना कोई आपकी टाइप बन जाएगी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने हर एक कैटेगरी, जो हर एक फॉर्म है उसका प्रोसीजर याद रखना है, ठीक है। इस लेक्चर में हमने वेरिएबल सेपरेबल देख रहे हैं, तो वेरिएबल सेपरेबल का केस आपको पता होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन है, इसमें हम x वाले एक साइड कर लेंगे, y वाले एक साइड कर लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कैसा बनेगा आपका, y इंटू डी वाई दैट इज इक्वल टू x इंटू डी एक्स, क्लियर। इसके बाद क्या कर देंगे, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, हम इंटीग्रेट कर देंगे भाई दोनों साइड। तो मेरे पास क्या बनेगा, जल्दी से बताओ भाई, y डी वाई दैट इज इक्वल टू x डी एक्स प्लस कोई कॉन्स्टेंट मेरा c हो जाएगा, समझे भाई पॉइंट। अब मुझे क्या बताना है भाई, हाँ जी, अब मुझे इसका इंटीग्रेशन कर देना, वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, वाई स्क्वायर बाई टू, क्लियर। वाई की जितनी पावर मान लीजिए एन पावर है, इसका जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या होता है, जल्दी से बताओ, बोलो भाई, तो ये होता है वाई की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन, समझे भाई पॉइंट। तो ऐसे यहाँ पे वाई की पावर वन थी तो वाई स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू एक्स करनी है तो आपके पास ये चीज हो जाएगी, ठीक है जी। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। टू कॉमन लो, उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर बाई वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस टू सी, ठीक है। तो वाई स्क्वायर बाई वन इस एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ, ये हो जाएगा टू सी, इसको कोई अनदर कॉन्स्टेंट दे दो क्योंकि कॉन्स्टेंट ही है डी, तो मेरे पास ऐसी कुछ इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। बाकी आपने जो आपके पास ऑप्शन गिवन होगी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपने इधर उधर कर लेना है, ठीक है, सो दैट आपका आंसर मिल जाए, ठीक है। दैट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, सॉरी हाइपरबोला, ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ
हाइपरबोला। कई बार ये यही क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि ये जो सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो बताइए क्या होगा, ठीक है, और आपकी टाइप होगी स्ट्रेट लाइन होगा, पैराबोला होगा, हाइपरबोला होगा, ठीक है, दैट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ योर हाइपरबोला, ठीक है, वाई स्क्वायर बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर वन इक्वल टू डी, एनी कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, डी इज एनी कॉन्स्टेंट, समझे भाई पॉइंट, आई थिंक आपको ये प्रोसीजर आपके समझ में आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है, इसमें भी देखते हैं भाई क्या होगा। अब देखिए ये है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई, आपने क्या निकालना है, सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, डी वाई बाई ये वाई इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, एक्स ये डी एक्स इधर चल के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट कर देंगे भाई, क्या होगा, वन बाई वाई इन टू डी वाई दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इन टू डी एक्स, और प्लस क्या जोड़ देंगे, एक आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, देखिए ये जो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट मैं किस साइड जोड़ रहा हूँ, राइट हैंड साइड, ठीक है, तो वन बटा वाई का जो डेरीवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन होता है दैट इज एल एन वाई, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, या अब अगर मैं मैथेमेटिक्स की बात करूँ, मैथेमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चन हो गए, वन बाई वाई का मीनिंग होएगा एल एन वाई, ठीक है, दैट इज इक्वल टू एक्स का क्या था भाई, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोलो जल्दी से, सी आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एक चीज आप नोट करके डाल लो, जब भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करते करते अगर मेरा इंटीग्रेशन जैसे वन बाई वाई का एल एन आ रहा है ना, ठीक है, जब भी मेरा लॉग का फंक्शन बनेगा उस केस में जो आपका कॉन्स्टेंट होगा, अगर कोई भी टर्म मेरी लॉग के अंदर बन रही है तो उस केस में जो कांस्टेंट हम ऐड करेंगे, कांस्टेंट ऐड वो क्या करेंगे, एल एन सी करेंगे, ठीक है, आप अकेला सी भी कर सकते हो, लेकिन जो आपके पास ऑप्शन गिवन होती है वो एल एन सी के साथ ही मैच करेगी, ठीक है, अदरवाइज तो आपको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, उससे आपका जो प्रोसीजर है वो लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी किसी भी इंटीग्रेशन को करते समय अगर वहाँ पे लॉग आ जाएगा तो उस केस में आपने जो जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी है इसकी जगह पे आपने एल एन सी ऐड करना है, ये भी मेरा कांस्टेंट है, ठीक है, जब मेरे पास कोई बाउंड्री कंडीशन गिवन होगी वहाँ से मैं आपको प्रूव कर दूंगा दोनों के साथ जो आंसर मेरा क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, इसको हम रेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या ऐड कर देंगे भाई, प्लस, क्योंकि इसका वन बाई वाई का एल एन होता है, इसका मतलब यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, एल एन सी, करेक्ट हुई इतनी बात, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल एन सी, ठीक है, जी एल एन सी मेरा दूसरी तरफ जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, एल एन वाई माइनस एल एन सी दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू, क्लियर। तो आप कुछ लॉ की प्रॉपर्टी होती है भाई, इसको नोट करके लिख लीजिए, जी आपके काम आएगी आपके हर एक सब्जेक्ट में, अगर एल एन एक्स और वाई है, मल्टीप्लिकेशन में है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एल एन एक्स प्लस एल एन वाई, दूसरी है अगर एल एन एक्स डिवाइड बाई वाई आपको गिवन है आप इसको लिख सकते हैं एल एन एक्स माइनस एल एन वाई, जो टर्म नीचे है उसको माइनस लिख सकते हो, ठीक है, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तीसरी प्रॉपर्टी ये है अगर एल एन एक्स की पावर एन है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एन एल एन एक्स, करेक्ट हुई इतनी बात, तो जी भाई आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन में क्या है भाई, आपका माइनस आ रहा है, इसका मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं, एल एन वाई बाई सी दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है, जो जो एल एन है अगर मैं इसको इस तरफ लेके जाऊँ, इस तरफ लेने के साथ आपके पास जो लॉग होता है वो क्या बन जाता है राजी, ई की पावर बन जाता है, ठीक है, ए की पावर इधर कितना पड़ा था एक्स स्क्वायर बाई टू, वैसे का वैसा आ जाएगा, ठीक है, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी इन टू e की पावर एक्स वाई टू, ओके। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री, ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या है, दोनों का आपने भाई क्वेश्चन सेम ही है, आपने सोल्यूशन कैलकुलेट करना है दोनों क्वेश्चन का, मैं तीसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ, चौथा अपने आप ट्राई करना, ठीक है, तो इसका लिख लीजिए सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। जब भी सोल्यूशन की बात करेगी हमें क्या निकालना होगा, ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसकी वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। चलिए अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे ई की भी प्रॉपर्टी लिख लो भाई नोट करके, अगर ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई है, जब मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस वाई, ई की एक्स डिवाइड बाई ई की वाई है ये हो जाएगा ई की पावर एक्स,
माइनस क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा भाई, हम वेरिएबल सेपरेबल करेंगे। ठीक है, इसको लिख सकते हैं ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई। इस ई की पावर वाई को इधर ले जाएंगे, एक्स को इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये जैसे ही डिवाइड होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई वाई वाई ई ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ई की पावर माइनस वाई इंटू डी वाई दैट इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। आप क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। तो कर दीजिए भाई इंटीग्रेट। जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन आ जाएगी, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन आ जाएगी, और यहाँ पे क्या हो ऐड हो जाएगा, एक आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्लियर अभी पॉइंट, देखो यहाँ तक ठीक है, बड़े आगे चलो जी। आगे देखिए फिर, अब जो e की पावर x होता है इसका इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, जो y बचेगा उसका क्या कर देंगे, डेरिवेटिव। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस वन। तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस वाई डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, माइनस वन इक्वल टू e की पावर x डिवाइड बाय x का डेरिवेटिव वन प्लस एनी कॉन्स्टेंट c। ठीक है, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर y दैट इज इक्वल टू e की पावर x प्लस c। ठीक है, अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको c रखना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको इस c की जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते थे, e की पावर c। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, लेकिन लास्ट में जो आंसर आपका आएगा वो सेम आएगा, लेकिन कई बार हमें ऑप्शन मैच करवाने के लिए आप कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन जहाँ पे लॉग होगा वहाँ पे तो कन्फर्म है आपने एल एन सी ही लेना है। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन की बात करूँ, अगर इस क्वेश्चन में मेरे पास ऑप्शन किसी और टाइप की होती, ठीक है, अगर ऐसे होता तो आंसर आ गया था। ठीक है, मान लीजिए ऑप्शन कोई और होती तो उस केस में मुझे यहाँ पे e की पावर c ऐड करना पड़ता। ठीक है, तो अगर मैं e की पावर c के साथ चलूँ तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे e की पावर c हो जाता। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेगा। मैं आगे क्वेश्चन बताऊंगा जिस पे आपको ऑप्शन गिवन होती है। ठीक है, तो कई बार आपको ऐसे ही इसको निकालना पड़ सकता था, e की पावर c। तो 1 e की पावर y दैट इज इक्वल टू, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, e की पावर x इंटू c, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा भाई, 1 इक्वल टू e की पावर x c और y। ठीक है, और x c y ये इधर जाके क्या हो जाएगा, ln हो जाएगा, ln 1। ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ln 1 की जो भी वैल्यू होगी x y c। अगर मान लीजिए ऑप्शन कुछ इस टाइप का होता तो आप ऐसे निकाल देते। ठीक है जी, बस प्रोसीजर आपका सेम होगा, आपने x वाली एक साइड करनी है, y वाली एक साइड करनी है, फिर आपने क्या कर देना, इंटीग्रेट कर देना। राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखिए इसमें आपको पास किया भाई इक्वेशंस, सॉरी ऑप्शंस गिवन है। अब मैं आपको इसको c और l एंड c दोनों के साथ आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है, ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, dy वाई डिवाइड बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, और बाउंड्री कंडीशन भी आपको भाई गिवन है, y और x की वैल्यू गिवन है। ठीक है, अगर मैं पिछले क्वेश्चन की बात करूँ, मुझे एक चीज़ बताइए, ये जो क्वेश्चन का आंसर आया है इसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट है, इसका मतलब ये कौन सा सोल्यूशन होगा, इसका जनरल सोल्यूशन होगा। राइट, जब भी मेरे पास बाउंड्री कंडीशन की बात करूं मैं, जब भी गिवन होगी उस केस में आपके पास क्या आएगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन आएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन था आपको, और ये आपके पास बाउंड्री कंडीशन गिवन है, वाई इक्वल टू वन है, जब x इक्वल टू जीरो है उस केस में जो y है उसकी वैल्यू किसके इक्वल है भाई, 1 के इक्वल है। ठीक है, चलो जल्दी से इसको वेरिएबल सेपरेबल करते हैं, तो dy वाई वाई यहाँ पे y आ जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आएगा। अब इंटीग्रेट करेंगे ऑन बोथ साइड, यहाँ पे इंटीग्रेट इंटीग्रेट, आपको होता है 1 बाई वाई का क्या होता है, लॉग बनेगा, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट क्या हम ऐड करेंगे, एल एन सी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, एल एन वाई दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3 बाई 3 प्लस एल एन सी, जे एल एन सी उस साइड ले जो, तो एल एन वाई माइनस एल एन सी एक्स क्यू बाई 3। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लॉ की प्रॉपर्टी आपने लगा देनी है, एल एन वाई बाई सी दैट इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 बाई 3। जे एल एन इस साइड जाके क्या बन जाएगा, ई की पावर बन जाएगा, वाई बाई सी दैट इज इक्वल टू ई की पावर एक्स बाई क्यू बाई 3। तो इसको रीअरेंज करिए, वाई इज इक्वल टू सी ई की पावर एक्स की क्यूब बाई 3।
तो जी मेरे पास कौन सा सोल्यूशन आ गया भाई, जनरल सोल्यूशन। जी हो गया मेरा जनरल सोल्यूशन, राइट। अब मुझे एक चीज़ बताइए, अगर मैं ऑप्शन पे जाऊँ, ऐसी ऑप्शन कौन सी मुझे नज़र आ रही है, इसमें ई की पर 1/2x है, जे भी नहीं आ रही, जे भी नहीं आ रही, जे अगर मैं ln इस तरफ ले जाऊँगा ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई 3, तो मेरी ऑप्शन डी की तरफ ये जा रहा है। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो ऑप्शन डी, लेकिन इसके आगे जो सी है इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, आपको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑप्शन से देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं प्रॉपर सॉल्व करूँ तो जब एक्स मेरा 0 है उस केस में वाई की वैल्यू कितनी है, 1। तो यहाँ पे पुट कर दो भाई, वाई की वैल्यू 1 है, सी ई की पावर 0, ई की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ से आप देख सकते हो सी किसके इक्वल आ गया भाई, 1। इस सी को यहाँ पर रख दो तो वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स क्यूब बाई 3। ठीक है, ये कौन सा सोल्यूशन हो गया, पार्टिकुलर सोल्यूशन। आपके पास नंबर ऑफ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बन रही थी, उस नंबर ऑफ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में से मेरे पास जब बाउंड्री कंडीशन लगा दी, एक इक्वेशन आ जाएगी, इसी एक इक्वेशन को क्या बोलते हैं भाई, पार्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं भाई, अगर मैं सी ऐड करूं, लॉ की जगह पे सी रखूं, तो उस केस में क्या होगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या कांस्टेंट ऐड कर दिया, सी ऐड कर दिया सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, तो वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, जेलन उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ई बन जाएगा एक्स की पावर 3/3 प्लस सी, ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ई की पावर एक्स क्यूब बाई 3 प्लस, क्योंकि दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, सॉरी प्लस में है, तो इसको हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, इन टू ई की पावर सी। ठीक है जी, मेरे पास मान लीजिए इक्वेशन बन गया आपके पास। अब बाउंड्री कंडीशन का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन वहाँ से तो आपको आइडिया हो गया था ना भी मेरा आंसर वो आएगा, लेकिन अब यहाँ पे e की पावर c आ रही है। ठीक है, तो अब इस कांस्टेंट की मुझे वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x इक्वल टू 0 पे y किसके इक्वल है भाई, 1। तो y की वैल्यू 1 e की पावर 0 इंटू e की पावर c। तो यहाँ पे बोलो भी e की पावर c किसके इक्वल आ जाएगा, e की पावर c इक्वल टू 1, c किसके इक्वल आ गया भाई, ln 1। ठीक है, ln 1 की वैल्यू कितनी है, 0। तो यहाँ से c की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 0। ठीक है, इस c की वैल्यू को पुट कर देंगे इन नंबर 1। ठीक है, तो y इज इक्वल टू e की पावर एक्स क्यू बाई 3 प्लस e, c की पावर कितनी है, 0। e की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो y किसके इक्वल आ जाएगा, e की पावर एक्स क्यू बाई 3। ठीक है, यही आपके पास आंसर आ रहा था भाई, उसके साथ भी और इसके साथ भी। ठीक है, लेकिन उसके साथ थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। इसमें तो आपके पास बाउंड्री कंडीशन गिवन थी। ठीक है, अगर इन केस बाउंड्री कंडीशन ना गिवन हो तो उस केस में थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है जी, तो जब भी आपके पास ln कोई भी इस दोनों का इंटीग्रेशन ln बने, तो उस केस में जो c है वो ऑलवेज क्या यूज़ करेंगे, ln c। करेक्ट हो इतनी बात। सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है भाई, आपने खुद ट्राई करना है, और इसको मैं तो आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। तो हिंट में क्या है, आपने कुछ नहीं करना है, जस्ट आपके एक्सपोनेंशियल का जो फॉर्मूला है उसको आपने यूज़ करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला क्या है, जब भी मल्टीप्लीकेशन हो या प्लस में टर्म गिवन हो उसको सेपरेट कर लो। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई की पावर 3x इंटू ई की पावर -2y प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर -2y। यहाँ से e की पावर -2y कॉमन ले लो और इधर जाके डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई e की पावर -2y दैट इज इक्वल टू, जैसे dx को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, e की पावर 3x प्लस एक्स स्क्वायर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे dx के साथ। ठीक है, अगले स्टेप में ये नेगेटिव है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये बनेगा e की पावर 2y इंटू डी वाई। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और प्लस क्या ऐड कर देंगे, एक कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, e की पावर 2y डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू e की पावर 3x डिवाइड बाई 3 प्लस
एक्स स्क्वायर क्या क्या होता है, एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस सी, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी ऑप्शन गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग आपने इसको इधर उधर कर लेना है। राइट, सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो प्रैक्टिस करिए, कोई भी क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है जी, अब आपके पास ये इक्वेशन गिवन है भाई, डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू दिस, एट एक्स इक्वल टू वन वाई इक्वल टू दिस। तो जल्दी से करिए सॉल्व, वाई को इधर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स को इधर कर दो, तो क्या हो जाएगा, वाई इंटू डी वाई दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, प्लस क्या ऐड कर देंगे, सी, तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई टू दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस क्या भैया आपका कॉन्स्टेंट सी। करेक्ट हुई इतनी बात। आप मुझे एक चीज़ बताइए, ये मेरे पास कौन सा सोल्यूशन आ गया, जनरल सोल्यूशन हो गया भाई। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया भाई जनरल सोल्यूशन। राइट, अब जब x इक्वल टू वन है उस केस में y की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट थ्री, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट थ्री का स्क्वायर डिवाइड बाई टू दैट इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू प्लस सी। तो ये आ जाएगा थ्री बाई टू, जो वन बाई टू प्लस माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू सी। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई भाई, फोर बाई टू दैट इज इक्वल टू टू। इस सी की वैल्यू को हम पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई टू दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। इस नेगेटिव को इधर ले आओ भाई, वाई स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू दैट इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है, टू। ठीक है, तो आप इस टू को निकालो, उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर। ठीक है, तो ये मेरे पास भाई इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई, डी। बड़ी इजी क्वेश्चन आती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेवन। जी आपके पास इक्वेशन गिवन है, ठीक है, आपने सोल्यूशन निकालना है आपके पास ये वाला। इसमें हम डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, एक्स है, और टी के आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो इसको लिखिए भाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी एक्स टी डिवाइड बाई डी टी दैट इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स टी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिखिए डी एक्स, अब ये जो एक्स है इसको नीचे ले आओ इधर, डिवाइड में हो जाएगा एक्स, और ये डी टी है इसको दूसरी तरफ ले जाओ। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे आपने भाई, स्टेप बाय स्टेप करना है। प्लस अब यहाँ पे ऐड क्या करेंगे, सी करेंगे या एल एन सी करेंगे, वन बाई एक्स का क्या होता है एल एन, तो यहाँ पे क्या करेंगे एल एन सी। हाँ जी, क्या बनेगा, एल एन एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस थ्री। हाँ जी, कितना होगा जल्दी से बताओ भाई, ये होगा थ्री, किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं भाई, डी टी के। तो कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन होता है वो जिसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं वही आ जाता है, तो थ्री टी प्लस एल एन सी। तो एल एन सी इधर जाके माइनस का हो जाएगा, एल एन एक्स माइनस एल एन सी दैट इज इक्वल टू माइनस थ्री टी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एल एन एक्स वाई सी दैट इज इक्वल टू माइनस थ्री टी। ठीक है, अब नेक्स्ट जितने भी हमारे क्वेश्चन हो गए यहाँ पे भी जे वाली फॉर्म बनेगी, जे और जे। ठीक है, उसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, जे लिखूंगा, एल एन एक्स वाई सी, जो टर्म इधर मुझे पता है इधर जाके माइनस का होगा फिर उसका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स वाई सी की जो वैल्यू हो जाएगी, जे एल एन उधर जाके क्या हो जाएगा, ई बन जाएगा थ्री टी। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, सी ई की पावर माइनस थ्री टी। ठीक है, ये कौन सा सोल्यूशन आ रहा है, इसका जनरल सोल्यूशन। ठीक है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ई की पावर माइनस थ्री टी। तो आपने यहाँ पे ई की पावर माइनस टी है, ये ई की पावर माइनस थ्री टी है, ये ऑप्शन आपकी मैच हो जाएगी और किसी में ये चीज़ नहीं है। ठीक है, इसका मतलब सी की वैल्यू कितनी है भाई, टू। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन आपके पास लगी होगी, लेकिन इस क्वेश्चन में बाउंड्री कंडीशन नहीं गिवन थी, लेकिन आपने क्या करना है, इसकी जैसी फॉर्म अगर ऑप्शन में जो बन रही है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए भाई, नेक्स्ट क्या आपके पास गिवन है, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और उसका आपने सोल्यूशन निकालना है और ऑप्शन आपके पास गिवन है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी वाई वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा भाई, दैट इज इक्वल टू एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, दोनों साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, एक कॉन्स्टेंट सी एड कर देंगे। ठीक है, वन डिवाइड बाई वन प्लस वाई स्क्वायर, ये होता भाई आपके टेन इनवर्स का, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू टेन एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, ये टेन इनवर्स इधर जाके टेन बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसी ऑप्शन देख लो भाई किसकी बन रही है। ठीक है, तो y
ये नहीं है, ये भी नहीं है, टेन का स्क्वायर गिवन है, टेन स्क्वायर भी नहीं है, तो ऑप्शन डी आपके पास भाई आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई, आपने जस्ट इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव में आपने पकड़ मजबूत करनी है। ठीक है, तो ये थे भाई कुछ क्वेश्चन जिसके अंदर आपकी जो पैरामीटर गिवन होते हैं उसके अंदर एक्स वाले एक साइड हो जाते हैं और वाई वाले एक साइड आ जाते हैं, फिर आपने इंटीग्रेशन करके एक कांस्टेंट ऐड करके उसका सलूशन निकाल देना है। ठीक है, अब मान लीजिए कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं जिसके अंदर आपकी जो वेरिएबल्स हैं वो एक साइड ना हो रहे हो। ठीक है, मान लीजिए एक साइड एक्स वाले नहीं हो रहे और एक साइड वाई वाले नहीं हो रहे, तो उसका क्या सोल्यूशन होगा वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप की फॉर्म होगी, आपने अच्छे से इसको रीड करना है। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।